नुसरत जहां, ये नाम आपने ना सिर्फ सुना होगा बल्कि इन्हें आप अच्छी तरह से जानते भी होंगे। पश्चिम बंगाल से सांसद हैं, टीएमसी की नेता हैं, अभिनेत्री भी हैं, आए दिन अखबारों में, टीवी पर आप इनको देखते और सुनते रहते हैं। लेकिन अब इन पर एक बड़ा आरोप लगा है, वो भी धोखाधड़ी का आरोप, जिसको लेकर आंखों पर चश्मा लगाए, हाथों में फाइलों का बंडल पकड़े वो ईडी के सामने पूछताछ के लिए उपस्थित। खबर में आगे बढ़े उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि नुसरत जहां पर क्या आरोप लगे। रियल एस्टेट कंपनी है, उसका नाम है सेवन सेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। ये कोलकाता के न्यू टाउन में फ्लैट देने के नाम पर 400 लोगों से करीब 5.5 लाख रुपए लिए थे। हालांकि लोगों को ना तो उन्होंने उस कंपनी ने फ्लैट दिया और ना ही उनके पैसे वापस किए। अब सीनियर सिटीजन्स के ग्रुप ने इस मामले में कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। 2017 में नुसरत जहां इस कंपनी की डायरेक्टर के पद पर थी, इसीलिए वो इस मामले में अब फंस गई है। कंपनी में टीएमसी सांसद की भूमिका को लेकर ईडी ने उनसे आज सवाल जवाब किया। पूछताछ की पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड हुई, नुसरत जहां के बयानों को भी दर्ज किया गया। करीब 6.5 घंटे तक ईडी ने उनसे पूछताछ की। अब वहीं इस पूरे मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। भाजपा ने कहा है कि अगर नुसरत के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप सच साबित हुए तो उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। ये मोदी जी की सरकार है, कोई सीएम हो या कोई एक्टर एक्ट्रेस, अगर आपने गलत किया है, पब्लिक को ठगा है, तो आपको हम छोड़ेंगे नहीं। वहीं टीएमसी के सांसद नुसरत जहां ने अपने ऊपर लगे तमाम भ्रष्टाचार के आरोपों से इनकार किया है। नुसरत का दावा है कि उन्होंने मई 2017 में ही रियल एस्टेट कंपनी से एक लोन लिया था, उन्होंने इंटरेस्ट के साथ वो लोन भी चुका दिया था, तब से उनका कंपनी से कोई संपर्क नहीं। तो इस पूरे मामले में नुसरत ने गलत किया है या नहीं, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। बाकी आपको क्या लगता है, क्या नुसरत ने सच में किसी के साथ धोखाधड़ी की है, क्या सच में उन्होंने किसी को ठगा है, इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट कर बताइए। और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।